गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शैलजा ज्ञानु ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, मेरे हस्बैंड इधर काम कर रहे थे, पेंट करने जा रहे थे, तो उन्होंने ये पूरा अपना वल्ली वल्ली सब बांध के रखी है, तो उनका कहीं काम आ गया है तो वो वहाँ चले गए, ये सब छोड़ दिया, वो चले गए हैं अपने काम पे। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये सारा सामान सब ऐसे ही फैला पड़ा है, जब तक आप पेंट नहीं करेंगे हम कैसे सब कुछ सेट करेंगे। ये देखिए गाइस, ये सब ऐसे ही पूरा पड़ा हुआ है, देख देख के इतनी गुस्सा लगती है, कुछ पूछो मत। तो काम जब चलता है ना तो ऐसा ही होता है सब। देखिए, जब तक ये सब होगा तब तक ऐसे ही रहेगा, कितनी भी गुस्सा आए। तो गाइस, आप लोग बने रहिए का ब्लॉग में पूरा एंड तक, और हम बनाने जा रहे हैं बैगन का कुर्ता। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा मेरे ब्लॉग को, इंजॉय करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ब्लॉग पे अच्छे अच्छे कमेंट करें, हम छोटे यूट्यूबर हैं, आपका कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप मेरे चैनल पे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं बैंगन का भरता बनाने, बने रहिएगा ब्लॉग में, देखिएगा मैं किस टाइप से बैंगन का भरता बनाती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो गाइस देखिए, मैं देसी जुगाड़ से बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। मैंने गैस का दूसरा वाला स्टैंड जो है वो स्टैंड के ऊपर ही रख लिया है, वो इसलिए कि ये जो बैंगन है ये जले ना। तो हम इसमें लगा रहे हैं ऑयल, सरसों का तेल है जो, इसमें लगा रहे हैं कि मेरा जो बैंगन है वो अच्छे से सिक जाए और ज़्यादा जले भी ना और बढ़िया से भुन भी सकता है। तो इस आप भी इसी तरीके से अगर बनाना चाहते हैं तो पहले जो है तेल को लगा लीजिएगा, और इसी तरीके से लगाने के बाद में जब अच्छे से लगा लें तो गैस को जला के फिर इसमें ऊपर से इस टाइप से बैंगन के भरते को रख दें, आराम से इसको रख दें हल्की धीमी धीमी आंच में, ये पकता रहेगा। इसको पका लें आप घुमा घुमा के चारों तरफ से। मैंने थोड़ा सा गैस को तेज़ किया है, अब ये देखिएगा आप कि कितने अच्छे से भुनता है। तो मैं चिमटे से इसको बार बार गोल गोल घुमा घुमा के सेक रही थी, इसको चारों तरफ से भून रही थी। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा देसी जुगाड़ से। तो गाइस, ये देखिए मेरा बैंगन का भरता भुन के रेडी हो चुका है, और हम इसको जो है धीरे धीरे से इसका जो ऊपर का छिक्कल जो मैंने भुना हुआ था इसको निकाल देंगे आराम से बढ़िया तरीके से। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हम इसको निकाल रहे हैं। आप लोग भी भून लें, फिर उसके बाद में इस तरीके से बैंगन के भरते का छिक्कल आराम से निकाल दें। इसको निकाल देंगे ना तो ये जो अगर जब हम बैंगन का भरता बनाएंगे ना तो इसमें ये जले, मतलब जले की स्मेल नहीं आएगी और कड़वा कड़वा भी नहीं लगेगा, आराम से टेस्टी भी लगेगा।
तो इस वजह से हम इसको आराम से निकाल देंगे बढ़िया से। तो गाइज आपने देखा कि मैंने बैंगन को भरते को कितने अच्छे से साफ़ किया, ये इसको हमने फोड़ लिया है चाकू की मदद से। अब मैंने इसमें ऑयल डाला है, ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें डालूँगी मेथी। मेथी का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है और मेथी जो है हेल्थ के लिए फ़ायदा भी करती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ मेथी। और मुझे इसकी स्मेल भी बहुत पसंद है, खुशबू भी अच्छी लगती है मुझे। किसी भी चीज़ में मैं डालती हूँ तो मुझे उसमें खुशबू अच्छी लगती है, वो सब्ज़ी का मुझे टेस्ट ही कुछ अलग लगने लगता है। इस वजह से मैं मेथी डालूँ, मेथी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने मेथी को थोड़ा सा निकाल दिया है फ्रेंड्स। और अब ये भुन रही है देखिए। गाइस कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, इशू नहीं है कि हाँ आपको मेथी डालना ही डालना है, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है इसी वजह से मैंने डाल ली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, जीरा मेरा अच्छे से भुन जाएगा ना तब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि प्याज भी डालना अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लग इसमें बैंगन के भरते में प्याज तो ज़रूरी ही डालना चाहिए। तो ये मेरा जीरा भुन रहा है। तो गाइस अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, मैंने प्याज को डाल दिया है, प्याज को हम हल्की धीमी धीमी आँच में भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने चला दिया है, अब इसको अच्छे से हल्के हल्के धीमी धीमी आंच में भूनते रहेंगे, यही आराम से भूनता रहेगा, फिर हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। आप लोग भी बनाइएगा, मेरे बनाए हुए तरीके से बैंगन का भरता बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि मैंने बनाया हुआ है पहले से और आज मैं वीडियो में बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हाँ इस तरीके से आप लोग भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे बहुत से लोग चूल्हे में मिट्टी का जो चूल्हा होता है ना, आग जो होती है उसमें भून के बनाते हैं, बट मैंने उस टाइप से नहीं बनाया, मैंने देसी जुगाड़ से गैस पर ही बनाया है। तो ये देखिए मेरा बैंगन के भरते में प्याज डालने के लिए मैंने जो डाला था वो हल्का हल्का भुन चुका है, सुनहरा हो। गाइज आपने देखा कि मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, टमाटर सबसे पहले मैंने डाला है, फिर हल्दी नमक मिर्ची और धनिया ये सारे डाल दिए थे मैंने, मसाले भून लिया था इसको हल्के हल्के। अब मैंने इसमें डाला है बैंगन का भरता, जो कि मैं सारे मसालों में इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर दूँगी। ये देखिए सारा मिक्स कर दिया है मैंने, अच्छे से भुनेगा ये कुछ देर तक, हम इसको कढ़ाई में ही रखेंगे हल्की धीमी धीमी आंच में इसको भूनते रहेंगे। ये अच्छे से जब भून जाएगा तब ये बहुत टेस्टी लगेगा खाने में।
गाइस, मेरी बैंगन की भरते की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए।